सभी को नमस्कार। आज यहाँ पर मैं हमेशा बोलती थोड़ा देरी से बात करो, फिर भी अब अपनी गाड़ी स्लो ही चलाते। हमारे पत्ती साहब है, सब पीछे बैठे, शेरके साहब है, सभी मंच पर बैठे हुए, सामने सब सीनियर सिटीजन, ज्येष्ठ नागरिक, माता बहने, सभी आए हुए पार्टी के लोग। मुझे इतना खुशी है कि आबा आपने ये गणपति रखकर ये कार्यक्रम तो लिया है। अगले साल जब मैं यहाँ आऊंगी तो ये मंदिर बनना चाहिए, अच्छा मंदिर बनना चाहिए। इसके लिए मैं मेरे तरफ से 1 लाख रुपया, मेरी तरफ से 1 लाख रुपया का इस मंदिर के लिए अनुदान रहेगा। अगली टाइम मंदिर बनाते टाइम हमको पूछो, हम बताएंगे आपको आइडिया। हम मंदिर बना चुके हैं, अभी भी हमारा गोवर्धनी माता का काम मंदिर का चालू है। 12 साल पहले मैंने मंदिर बनाया, अभी रिन्यू चालू है। हम लोग मंदिर को बहुत ही सुंदर सा से सजाते हैं और आपके यहाँ तो इतने लोग हैं, 1200 लोग का भव्य दिव्य परिवार है। अभी मैं बैठ के गणपति मंदिर को ही देख रही थी तो पिसार साहब से मेरी बात हुई, पहले मंदिर बनना चाहिए। पिसार साहब धन्यवाद तुम्हाला, गणपति ने काहीतरी तुम्हाला सुचवलं आजच्या दिवशी, आणि आबासारख्या लोकांच्या हातून आणि आपल्या हातून हे व्हावं अशी माझी पूर्ण इच्छा आहे। आणि जरूर 1 लाख काय आणखीनही मदत लागली तर करू आपण, पण गणपती मंदिर हे झालं पाहिजे। नेक्स्ट टाइम जेव्हा मी मागी गणपतीला इथे येईन तरी त्या देवळात जाऊन पूजेचा मानसुद्धा मला मिळेल अशी मी अपेक्षा व्यक्त करते। आप सभी लोग आज यहाँ लॉकडाउन के बाद एक साथ मिले हैं। मैंने पूछा भोजन की क्या व्यवस्था है, उन्होंने कहा आज हम सब लोग एक साथ भोजन लेने वाले हैं। बहुत खुशी की बात है, 7-8 महीने के बाद हम अपने अपने परिवार में रहते थे, बहुत डिस्टर्ब हुए थे, कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोग बेरोजगार हो गए, महिलाएं घर में बैठ बैठ के परिवार का काम करती थी, क्योंकि हमेशा आदमी काम पे जाता है तभी इतना काम नहीं होता है जितना 7-8 महीने इन लोग को झेलना पड़ा सब महिलाओं को, सही है कि नहीं? फिर भी हमने हमारी ड्यूटी की है और हम एक परिवार के जैसे यहाँ पर रहते हैं। मुझे बहुत खुशी आबा कि आपने यहाँ मुझे बुला के इन सबको मिलने का मौका दिया है, वरना कोई कार्यक्रम होता है तो ही मैं आपको मिल सकती हूँ, एक एक के घर में तो नहीं जा सकती हूँ। आपको सबको पता है लॉकडाउन में हम लोग ने पूरे 51 वार्ड में मैंने काम किया यहाँ बेलापुर मतदार संघ में, और बेलापुर मतदार संघ ऐसा है कि एक मिनी इंडिया है, या झारखंड से लेके कन्याकुमारी तक दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हर देश का, हर राज्य का लोग इधर रहते हैं। जब मुझे MP MLA के फोन आते थे कि हमारे झारखंड वाले इधर 25 बच्चे पढ़ रहे हैं, मंदा भाई उनके लिए कुछ देखो, स्कूल के लिए, कहाखाने के लिए, कोई आसाम से फोन आता था, कोई गुजरात से, कोई राजस्थान से, हमने उनकी सबकी व्यवस्था करके भी नवी मुंबई की भी व्यवस्था की। ऐसे नहीं कि उनको रास्ते पे छोड़ दिया, क्यों, ये मुश्किल सबके लिए थी, पूरे वर्ल्ड के लिए थी, पूरे देश के लिए थी और नवी मुंबई के लिए भी थी। बहुत लोग बीमार पड़े, किसी को ICU नहीं मिलती थी, किसी को हॉस्पिटल में रूम नहीं मिलता था, रात दिन हम लोग काम कर रहे थे। मेरे घर में 4 फोन चालू थे, मेरी 2 बहू, मेरा बेटा नीलेश और मैं, हम लोग 4 लोग फोन पे रात दिन काम कर रहे थे। बताने का मकसद यह है कि इतनी आपत्ति अपने पे आई थी नवी मुंबई में, आज थोड़ी थोड़ी कम होते चली गई है। मास्क जो है वो लगाना ही चाहिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं होगा, पहले हमारे जो पूर्वज थे काम करते थे तो खेत में किसान का काम करते थे, हम धीरे धीरे सब ऊपर आए, कहीं ना कहीं किसी की न किसी के गांव में खेती बाड़ी तो होती है, काम के रोजगार के निमित्त हम नवी मुंबई में सब आके बसे हुए हैं। मुझे इतना ही कहना है, इतनी खुशी है कि हम लोग में से काफ़ी लोग बीमार पड़े फिर भी अच्छे भी हुए, कई हमारे कार्यकर्ता भी गए, उसका भी हमको दुख है, क्योंकि जब मैं प्रोग्राम में जाती थी कार्यकर्ता सामने दिखते थे, आज वहाँ जाती हूँ तो कार्यकर्ता दिखते नहीं है, जिन्होंने दिल से हमें को प्यार किया। मैं पत्ती काका जो यहाँ सीनियर सिटीजन है उनको मैंने कहा, काका यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनको अपने को दान देना है,
तो बोले आप भेज दो, फिर काका बोले और भेज दो। तो ये है, हम ये बिल्डिंग में रहते हैं, मगर बहुत लोगों ने अपनी रिटायरमेंट का नौकरी से अच्छे घर मिलते करके लिए। सभी लोग अमीर है ऐसा नहीं, बड़े बड़े टावर में लगता है कि बहुत सब अमीर ही लोग हैं, मगर वहाँ भी कोई ना कोई परिवार गरीब रहता ही है। तो मैंने पत्की काका को बोला, जगताप को बोला, सबको बोला, इन लोगों को जिधर जिधर अनाज चाहिए आप लेकर जाइए। मैंने कम से कम 25 टन अनाज खाली नवी मुंबई के गोर गरीब जनता के लिए दिया। इसमें चावल था, दाल था, तेल था, शक्कर था, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे लोग हैं, वॉचमैन लोग हैं, हमारे कामवाली भाई लोग हैं, इनके ड्राइवर लोग हैं, इनकी बहुत बड़ी मुश्किल समस्या हो गई थी। मुझे तो यहाँ के सानपाड़ा के टावर से भी फोन आते थे सीनियर सिटीजन के, हमारे घर में कोई राशन लाने को नहीं है। मैं बोला आप राशन और आपकी लिस्ट मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे भेजो, आपको कार्यकर्ता राशन लेके आ जाएगा। दो गाड़ी हमने रखी थी राशन पहुँचाने के लिए, कहीं से भी फोन आते थे तो हम उनको राशन भेज देते थे। कहना इतना ही है कि मुश्किल के वक्त अगर हमारे सामने हमारा लोक प्रतिनिधि अगर काम नहीं करेगा तो उसको चुन के देने से कोई फायदा नहीं है। आदमी वैसा होना चाहिए जो मुश्किल के टाइम आपको काम में आए, आपके साथ में खड़ा रहे। ऐसे लोगों को ही हमको वोट देके जिताना है। मैं अपना जगताप को देख रही हूँ, वो उद्योग में एक व्यापारी भी है, एक अच्छा कार्यकर्ता भी है। बहुत सालों से मैं उसको बोल रही हूँ कि यहाँ मिनिमम टावर में आप अच्छा काम कीजिए, लोगों को साथ में लेकर चले, उनके सुख दुख में जाइए, तो लोग जरूर आपको याद करेंगे। कहना नहीं पड़ेगा, जब आप इस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं तो इसलिए अध्यक्ष हैं क्योंकि आप अच्छा काम करें। मगर आज से आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, ताकि मैं आई हूँ यहाँ पर और मैं अपनी जवान दे रही हूँ, तो मेरा प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। लोगों को जो भी आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, अगर नहीं है तो आप इधर एक कैंप लगा दीजिए, मैं आपको कैंप दे दूंगी। कई कई लोग बाहर से आते हैं, उनके राशन कार्ड वो नहीं बनाना चाहते, मगर राशन कार्ड इतना जरूरी है क्योंकि जब हमारे बच्चे कॉलेज में जाते हैं तब उनको लिया नहीं जाता है, तब आते हैं हमको राशन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। तो जो भी चीज़ है आप आभा को, एक इधर छोटा सा ऑफिस भी खोल दीजिए आभा, किसी को बिठाइए, अगर इनकी कुछ भी दिक्कत है तो आपका काम है उनका काम करना। ऐसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा हमारे देश के प्रधान आदरणीय मोदी जी, हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उनका हमेशा एक ही कहना है कि लोगों में जाओ और लोगों का काम करो। फिर बिल्डर काम करने नहीं आते थे, फिर बोला 4 FSI चाहिए। अभी 4 FSI के लिए सरकार बदल गई, सरकार आघाड़ी की आई, फिर भी मेरे सबसे अच्छे संबंध है। राजनीति में राजनीति करते करते अपने संबंधों को भी अच्छा रहना चाहिए, गुंडागर्दी करके चुन के नहीं आना है। आपने देखा होगा 2014 में मैं खड़ी थी, मगर एक भी पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई हमारे तरफ से कि एक भी कार्यकर्ता ने गुंडागर्दी नहीं की। ये शहर गुंडों का नहीं है, ये अच्छे लोगों का शहर है, इस अच्छे लोगों को अच्छी सिक्योरिटी देना हमारा फर्ज है। मैंने उद्धव साहब से, जो अभी मुख्यमंत्री, उनसे टाइम लिया, उन्होंने भी मुझे टाइम दिया और मैंने कहा हमको 4 FSI चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है हम कर देते, मगर फिर भी आप तो वोट तो कमल को ही मांगेगी ना, ऐसे मुझे कहा हंसते हंसते। बोला सर ये जो लोग आए हैं बॉम्बे से रहने को नवी मुंबई में, 40 साल से सफर कर रहे हैं, धोखादायक इमारती में रह रहे हैं, उनके लिए हमको काम करना जरूरी है। जैसे आप सोचोगे वैसी बात है, मेरा काम है इस जनता के लिए, कोई भी लोक प्रतिनिधि हो मैं उसके पैर पड़ने को तैयार हूँ, क्योंकि पब्लिक ने मुझे कोई अकड़ और घमंड के लिए नहीं चुन के दिया है, लोगों ने अपने काम के लिए मुझे चुन के दिया है। इसलिए मैं, अगर आप शिवसेना के प्रमुख हैं, मैं भाजपा की प्रमुख है, आप चाहेंगे तो लोगों को कर सकते हैं, मगर उन्होंने नहीं, उन्होंने तुरंत कर दिया, बोले मंदाताई पब्लिक के लिए आई है, मंदाताई कोई कॉन्ट्रैक्ट मांगने नहीं आई, कोई बदली करने नहीं आई है, पब्लिक के लिए आई, और वो 4 FSI का काम अभी हो रहा है, उससे आपको भी भविष्य में उसका फायदा होगा।
सभी लोगों को नवी मुंबई में फायदा होगा। मैंने प्री होल्ड करके लिया है, जिनकी जमीन है उनको भी वही टावर लोग को मिलनी चाहिए। 100% मान्यता चाहिए करके एक आदमी संदीप ठाकुर कोर्ट में गए थे। मैं राष्ट्रपति से 6 महीना पीछे लग के देवेंद्र जी से पीछे लगकर 51% परवानगी रहेगी तो हम लोग घर बांध सकते, कुछ भी कर सकते। टावर में 100% तो कोई परवानगी नहीं दे सकता है। आज मुझे लोग बोलते हैं, खुद यहाँ का MD बता रहा है कि कल इस शहर में लिखा जाएगा कि इस घर के मसीदा कौन है। लोगों की पसुनुक नहीं होनी चाहिए, लोगों को क्वालिटी वाइज घर मिले और टाइम पर मिले, इसलिए मैं काम कर रही हूँ। तो मेरी यही सबको आज माघी गणपति के टाइम सबको शुभेच्छा। आप इतने बड़े पैमाने में इधर आए हैं, जगताप को आबा जगताप को शुभेच्छा ही दे दी है मैंने, आबा आप काम पे लग जाओ। और रोज रात दिन मुझे काम के फोटो वोटो आने चाहिए, बच्चों लोग को भी बोलते जोर से काम करो, आबा भी मेरे जैसा ही है। तो थोड़ा आप सभी का आशीर्वाद आबा को चाहिए, ऐसे कह के मैं आपको बहुत बहुत आज के दिन गणपति के दिन शुभेच्छा देती हूँ। और गणपति का आर्किटेक्ट प्लान ये महीने में ही बनाकर मेरे पास विशाल साहब आपको जिम्मेदारी देती हूँ। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।